नमस्कार दोस्तों, जो यूपी पीसीएस का हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसमें 101 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, जो कि तीन पार्ट में ये करके कर रहे हैं, 50 50 क्वेश्चन करके, जिसे एक्सप्लेन भी कर सकें और क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझ सकें। तो 102 नंबर क्वेश्चन है। अब सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड है, ये घटना चक्र का टेस्ट सीरीज है, जैसा कि आप लोग को पहले से पता होगा। सूची फर्स्ट में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया गया है और नदी जिस पर अवस्थिति है वो सेकेंड सूची है। तो हड़प्पा की बात कर रहे हैं, हड़प्पा कौन सी नदी पे? रावी नदी। कालीबंगा की बात करते हैं तो घग्गर नदी, और उसके बाद लोथल की बात अगर हम करते हैं तो ये लगभग सभी को पता होगा कि भोगवा नदी, और रोपड़ के बात करते हैं तो सतलज नदी। आप सुमेलित कर सकते थे, ऑप्शन ए, एक आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत की बात कर रहे हैं और आयतन में बात कर रहे हैं, वायुमंडल में सबसे कम है। तो आप देखेंगे CO2 का जो है सबसे कम है, कितना है ये? अप्रोक्सली जो है 0.04% है। और सब आपको पता होगा कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का है। और कितना है ये? नाइट्रोजन का लगभग जो है आप 78% बताते हैं, लेकिन 78.08% है ये। उसके बाद ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो वहीं आप लगभग 21% बताते हैं, लेकिन 20.9% है, ठीक है। आर्गन की जब बात करते हैं तो 0.9% है, 0.9%। तो आप देखेंगे सर्वाधिक CO2 का है, सॉरी सबसे कम जो है CO2 का है 0.04%, और सर्वाधिक जो है 78.08% नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है। कौन सा कथन सत्य है? पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, और डीजल ईंधन की गुणवत्ता को सीटेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो यह नवंबर मंथ में जो है किया गया है, नवंबर 2023 में UAE में किया गया है, UAE ये लिखा भी है, UAE में स्थापित हुआ है, और विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है ये, अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। इसको आप याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अल दफरा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक, ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, तो फोटोवोल्टिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, अल दफरा याद रखिएगा बस, की UAE का है ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, कभी कभी पूछ लेता है सूची मिलान के लिए, इसीलिए अल दफरा का नाम लिया मैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक है? तो देखेंगे आप, इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड भी है, जिसे आप बोलते हैं लाइम, लाइम बोलते हैं, लाइम। उसके बाद SiO2 है, जिसे आप सिलिका बोलते हैं, सिलिका, सिलिका जो है, और वही बात करते हैं एल्युमिना की, एल्युमिना भी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिना, और जिप्सम, जिप्सम का भी मात्रा रहता है इसमें, जिप्सम जो है ये सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को थोड़ा सा स्लो कर देता है, इसीलिए जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में। तो यहाँ पर देखेंगे सभी है, चारों सही है, कैल्शियम और एल्युमिनियम के सिलिकेटों का मिश्रण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आचार्य दिए गए हैं और सिद्धांत लकुलिस, आप इसमें हो सकता है कई नाम ना सुने हो, लेकिन भद्रबाहु का नाम सुने होंगे, किससे संबंधित? जैन धर्म से। नागार्जुन का नाम सुने ही होंगे, किससे संबंधित? शून्यवाद। गोशाल शायद सुने हो, गोशाल का नाम आजीवक संप्रदाय से है, लेकिन लगभग सुने होंगे। और लकुलिस की बात करते हैं तो पाशुपत से संबंधित है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपका 20 सुमेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अस्तनधारी कह रहा है, अस्तनधारी है कौन सा है? समुद्री सिंह जो है अस्तनधारी है, समुद्री घोड़ा जो है अस्तनधारी नहीं है, ये कशेर की मछली है, समुद्री घोड़ा मछली है, अगर आप इसका इमेज देखे होंगे तो ऐसे करके रहता है ये। समुद्री सिंह हो गया आपका, समुद्री गाय हो गया, ये सब अस्तनधारी है, ठीक है, समुद्री गाय भी लिख दे रहा हूँ, समुद्री गाय, ये सब अस्तनधारी है, ऑप्शन केवल यहाँ पर दूसरा सही था, तो बी ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग एक का संघ 5 और राज्य 6, संघ राज्य क्षेत्र जो लिखा गया है या भाग 7, जो कि गलत हो जाता है। संघ राज्य क्षेत्र आपको पता होगा कि भाग 8 में आता है, भाग 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य दिया है, लोकसभा में स्थान दिया है, कर्नाटक में जो है 28 सीटें हैं, इसको याद रखिएगा, ये आज सीटों से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओडिशा की जब बात करते हैं हम 21 सीटें हैं, तेलंगाना की बात करें तो हम 17 सीटें हैं लोकसभा में, और केरल में 20 सीटें हैं, आप देख लीजिए कौन सा सुमेलित है, एक चौथा, ये वैसे भी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित है, फिलहाल ये याद करने योग्य बातें हैं, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं।
ये बेहद आसान सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा भी गलती करते हैं तो गलत कर देंगे, मतलब ना समझ में आप गलत करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण लिखा है यहाँ पर, तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं यहाँ पर। पारिस्थितिक तंत्र में जो है, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्व अजैविक प्रावस्था में परिवर्तित तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पंचायती राज से संबंधित है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अशोक मेहता समिति की जब बात करते हैं, देखिए इसमें पांच नाम है, पांचों याद रखिए आप, नाम तो सब यही है, एक नाम बस नहीं दिया गया है, बलवंत राय मेहता का, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर, बलवंत राय मेहता, इनको भी लिख दे रहा हूँ यहीं पर, इनका डेट भी लिख दे रहा हूँ 1957। अशोक मेहता समिति की जो बात किए हैं, ये आपका 75 जो दिए कर गलत कर दिया है, 1977 से 78 कर देते तो सही हो जाता, बाकी सबका सही है। जीवी के राव समिति 1985, एम एल सिंघवी समिति 1986, पी के थुंगल समिति 1988। संथानम समिति अगर आप सुने हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, संथान समिति, संथानम समिति का भी ईयर लिख दे रहा हूँ 1963 एंड 1964। तो आप याद रखिएगा, ये सब थोड़ी थोड़ी बातें हैं लेकिन ये चार पांच नाम है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। बलवंत राय मेहता समिति का हमेशा याद रखिए, 1957 का है। अशोक मेहता समिति 1977 से 78 तक, जीवी के राव समिति 1985, एम एल सिंघवी समिति 1986, पी के थुंगल समिति का 1988 में, याद रखिएगा लास्ट में आते हैं ये। और एक समिति का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, यही हनुमंता, हनुमंता का नाम सुने होंगे, हनुमंता राव समिति, हनुमंता राव समिति की जब बात करते हैं तो 1984 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये पांच छह नाम जितने हैं वो सब आप याद रखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2022 के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। देखिए ये एकदम फैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डेट को पूछा गया है यहाँ पर, तो इसीलिए कह रहे थे पिछले जब टेस्ट सीरीज हम लगा रहे थे तो मतलब क्वेश्चन जो किया जा रहा था तो उसमें यही बात हमने बोला कि आपको डेट याद रखने की बहुत जरूरत है। अब नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर देंगे, हालांकि यह स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर गुजरात लगातार तीसरे साल इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, गुजरात जो है नहीं था, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। कितने पॉइंट पाया था वो? 80.89 स्कोर के साथ जो है शीर्ष पे है। और सूचकांक का यह तीसरा संस्करण जारी किया गया है, इसको याद रखिएगा, थर्ड नंबर का है, तीसरा संस्करण है, तो केवल यहाँ पर स्टेटमेंट पहला सही है। आइए इसमें थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, क्योंकि सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नीति आयोग का है तो ज़्यादा संभावना बनता है कि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे शीर्ष जो तीन राष्ट्र सॉरी राज्य की बात करेंगे हम, तमिलनाडु तो फर्स्ट पे है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, तमिलनाडु के बाद आपका महाराष्ट्र आता है, उसके बाद आपका आता है कर्नाटका, ठीक है, ये तो हो गए तीन शीर्ष राज्य जो समग्र और तटीय राज्य है, मतलब ओवरऑल में देखा गया है। और लैंड लॉक स्टेट की बात जब होती है तो हरियाणा का स्थान आता है, तेलंगाना का, फिर उत्तर प्रदेश का आता है थर्ड पे, स्थलवृद्ध जो होते हैं स्थलवृद्ध। और तीन शीर्ष हिमालयी राज्य में आएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। छोटे राज्य या यूटीज की बात करते हैं तो गोवा फर्स्ट पे है, जम्मू कश्मीर सेकेंड पे है और दिल्ली थर्ड पे है। वहीं तीन निर्यात जिले बात करते हैं, शीर्ष तीन निर्यात जिले, जामनगर गुजरात का फर्स्ट पे, सूरत गुजरात का सेकेंड पे, मुंबई उपनगर महाराष्ट्र का थर्ड पे है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है कि राज्य, यहाँ पर देखिए राज्य लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। वहीं संघ की अगर हम बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग की बात होगी तो राष्ट्रपति को सौंपता है। लेकिन ये सब जितनी बातें कही जा रही हैं ये कौन से आर्टिकल में है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पूछ सकता है क्वेश्चन। 323 याद रखिएगा, 323 ये दोनों के लिए है, संघ और राज्य दोनों के लिए है, कि राज्य की बात करेंगे तो राज्यपाल को सौंपेगा अपना वार्षिक प्रतिवेदन, संघ की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो यहाँ पर 323 याद रखिएगा, आर्टिकल आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है? हॉटस्पॉट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, गंगा का मैदान नहीं है और मतलब भारत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत कर दीजिए। बाकी अगर वेस्टर्न घाट का नाम आता ये भी हॉटस्पॉट क्षेत्र है, ईस्टर्न घाट का नाम आता या नॉर्थ ईस्ट का नाम आता ये भी सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो है ही आपका। हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से होते हैं? हो सकता है नए बच्चों के लिए थोड़ा सा बोल लगे नया टर्म, बट हॉटस्पॉट क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है,
लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र को ही हम लोग बोलते हैं, जैसे पूर्वी हिमालय आपकी बात करते हैं भारत में, पश्चिमी घाट हो जाता है आपका, पूर्वी घाट तो है ही, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सब जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह बात कही गई थी? तो सबसे पहले आप जानते रहिए ये कौन से आर्टिकल में है। आप आर्टिकल सुने होंगे 38 में, दूसरा खंड की बात करते हैं हम लोग। तो इसी में जो है कहा गया है असमानताओं को, आय की असमानताओं को कम करने की बात कही गई है राज्य में। लेकिन ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जब 1978 में, उसमें ये बातें निकल के आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो 2008 में किया गया था, 30 जून को, 30 जून में यही लिख दे रहा हूँ, 30 जून को 2008 में। उद्देश्य यही रहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के उपबंधों के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सही है? प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्रों में मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आदेश या रिट की बात करते हैं, और उच्च न्यायालय के लिए बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट की बात करते हैं, तो 226 के तहत जारी किया जा करता है। वहीं आप बात करते हैं अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता, तो यह गलत हो जाता है स्टेटमेंट, केवल यहां पर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप उसी स्टेटमेंट को पढ़ते वैसे ही गलत कर देते। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में यदि कोई राज्य असफल रहा तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि इस स्थिति में उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यह संविधान में 365 के तहत बातें की जाती है, 365 के तहत है। और हो सकता है बहुत लोग 356 लगा दें, लेकिन 356 नहीं है, राष्ट्रपति शासन इसमें होता है, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे थे, शासन से संबंधित उद्घोषणा की जा सकती है उस राज्य में, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाएगी। लेकिन ये जो बातें हैं आपके, ये 365 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में, उसके बाद फिर आपका आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, उसके बाद आपका एलिफेंट आता है 1992 में, वहीं जैव विविधता की बात करते हैं हम 2002 में। तो आप कालानुक्रम में लगाएं, आपका यह रिपीटेड क्वेश्चन था वैसे, फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है प्यारा सा, कि संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए और उसका विकास करे? तो आर्टिकल 351 के अनुसार है ये बातें, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 350। 350 में क्या है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करते हैं। 350 का जो दिया गया है यहाँ पर आप देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की बात करते हैं, और वहीं खा की जब बात आप करते हैं, खा की 350 खा, तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, तो जम्मू कश्मीर दाचीगाम की बात करते हैं, दाचीगाम तो जम्मू कश्मीर से सम्मिलित कर दीजिएगा, केवला देव घाना पक्षी विहार की जब बात करते हैं तो राजस्थान, कान्हा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश चलेंगे, पेरियार की बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य तो केरल से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। राज्यों में बात हो रही विधान परिषदों के सृजन और या समाप्ति की बात है। संसद विधि बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति कर सकता है, ऐसा किसी आर्टिकल में जिक्र जरूर होगा, तो वो आर्टिकल कौन सा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 169 के खंड एक में है ये बातें, आर्टिकल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल अक्सर पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति के लिए राज्य विधानसभा का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाता है आपका, ये गलत हो जाता है, आवश्यक नहीं है स्टेटमेंट, सेकंड गलत है। इस है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि आर्टिकल 368 के संदर्भ में संविधान संशोधन नहीं समझी जाती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा सही है। ये आपका जो है आर्टिकल 169(3) में ऐसा जिक्र है,
कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए नहीं समझी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, FIDE शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, और उप विजेता की जब बातें होंगी तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद उप विजेता। उप विजेता ये जो है मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के हैं, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी भारत के हैं ये, आपको पता ही होगा, इनको पहचान भी रहे होंगे। ये किससे संबंधित, FIDE शतरंज से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। बाकू अजरबैजान में जो है 30 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 2023 के मध्य हुआ था। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये मणिपुर जो है नहीं मिलता है बांग्लादेश से सीमा, बाकी आपका मेघालय त्रिपुरा मिजोरम मिलता है, पश्चिम बंगाल भी कर सकते हैं आप, वेस्ट बंगाल भी कर दिया मैं यहीं पर, असम लिखा नहीं है तो असम भी कर दे रहा हूँ, असम भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के संदर्भ में है। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और ये बिल्कुल सही बात है कि 1952 में थे, लेकिन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जो लिखा गया है ये गलत हो जाता है, आपको पता ही होगा कि मीरा कुमार नाम था इनका, मीरा कुमार। 2009 तक की बात करते हैं। लोकसभा की प्रथम जनजातीय अध्यक्ष GMC बाल योगी थे, तो ये गलत हो जाता है, 1996 में PA शंगमा नाम था, शंगमा इनका नाम था, नाम भी सुने होंगे आप इनका, लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे ये PA शंगमा 1996, तो केवल यहाँ पर फर्स्ट सही है, केवल पहला यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिसंबर 2023 में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में प्रवासियों से प्रेषण रेमिटेंस प्राप्तियों में शीर्ष पर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, रेमिटेंस में सर्वाधिक जो है भारत को ही मिला है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो दो अनुच्छेद हैं ऐसे, आर्टिकल 64 में, आर्टिकल 89 में, ऐसा जिक्र है, यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है सही है, 89 का उपखंड है ए, तो इसीलिए ये आप दोनों स्टेटमेंट को, दोनों आर्टिकल को याद रखिएगा, आप हो सकता है 64 ही करते, इसीलिए बता रहा हूँ कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 64 में भी है, 89 एक में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स का, कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर टिका हुआ है, तो वो नारी शक्ति है, युवा शक्ति है, किसान भाई बहन है और गरीब परिवार के लिए है, बजट का आप जब पढ़ेंगे तो बजट में ये जिक्र है। लोकसभा या राज्यसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी होनी आवश्यक है? तो 1/10 होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का गणपूर्ति के लिए, और ये किसमें है आर्टिकल का हम जरूर यहाँ पर जिक्र करेंगे, आर्टिकल से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसीलिए 100 के 3 में, 100 है खंड 3 उसमें है, इसमें ये बात है कि लोकसभा या राज्यसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति या कोरम उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, तो 1/10 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायालयों न्यायाधीशों की उपस्थिति के संदर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात हो रही है, अब उनके संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें बात करेंगे हम लोग कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पद धारण कर चुके व्यक्ति इसके लिए आहत रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में लास्ट में दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद धारण कर चुके और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए आहत व्यक्ति भी इसकी पात्रता रखता है, बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट की भी बात हो रही है यहाँ पर, ये सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब ऐसा आप जहां पर देखते हैं ये आर्टिकल का मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, आर्टिकल 128 में है, ऐसी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, परीक्षण करें और नीचे दिए गए उत्तर का सही उत्तर दें। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग की बात होगी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से बहती है, सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, तो यह गलत हो जाता है, केदारनाथ नहीं है, बद्रीनाथ ही है। यहाँ तो यहाँ पर देखेंगे आप केवल जो है ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी राज्य में किसी प्रादेशिक क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ये आपका आर्टिकल जो है 243 P के तहत है, उसमें भी D है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, खंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में बात हो रही थी कि द्वितीय किस निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम्प ऑपरेशन के विमानों के अवशेषों का समर्पित संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, पासीघाट में। बस इसको याद रखिएगा, पासीघाट में स्थापित किया गया है, क्योंकि पूछ सकता है पासीघाट कहाँ पर है, करंट का क्वेश्चन है। असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, म्यांमार, यूनान जो चीन से होकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने वाली जो हम्प हवाई मार्ग पर लगभग उस समय 650 वायुयान क्रैश हुए थे, इसीलिए यहाँ पर संग्रहालय बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है केंद्र और खनिज दिया गया है, मकुम, डल्ली, राजहरा, कोरापुट, चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग जो है आप ज्यादातर सुने होंगे मैग्नीज के लिए। मकुम की बात करते हैं तो कोयला से संबंधित है, और डल्ली राजहरा की बात करते हैं तो लोह अयस्क, और कोरापुट बॉक्साइट के लिए है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, फिलहाल एक ही ऑप्शन से मिल गया था, लेकिन याद रखिएगा मकुम जो है कोयला के लिए है। फिर से हम बता दे रहे हैं, मकुम कोयला के लिए, डल्ली राजहरा लोह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज, याद करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? संविधान दिवस 26 जनवरी जो लिखा गया है ये गलत हो जाता है, 26 नवंबर है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की बात करते हैं 9 नवंबर। सुशासन दिवस की बात करते हैं तो 25 दिसंबर है ये, सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है ये कि पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, कौन सा कथन सत्य है? जो पित्ताशय में संचित रहता है, बिल्कुल सही है। और पित्त एक गाढ़ा अम्लीय द्रव है, तो यह सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पित्त रस जिसे आप बाइल बोलते हैं, बाइल, और पित्ताशय को आप गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसी में स्टोन आ जाता है तो इसको पूरा निकाल देते हैं, गॉल ब्लैडर को ही काट के निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कथन असत्य है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई, तो बिल्कुल सही है, 20 मार्च 2015 को इसको मंजूरी मिली थी और 15 जुलाई 2015 से इसे प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत कुल 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित कर किए जाने का लक्ष्य निर्धारित था, तो ये भी सही है, 4 वर्षों के लिए, 4 वर्ष 2016 से 2020 तक की बातें हैं, इसमें 4 वर्षों के लिए किया गया था, 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण करने की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को प्रारंभ की गई है, तो ये सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत जो है जिला कौशल समितियां DSC के माध्यम से जिला प्राधिकरण को अधिक भागीदारी की परिकल्पना की गई थी, तो ये गलत हो जाता है। 2.0 के तहत राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों को अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी, यहाँ पर जिला जो लिखा गया है ये गलत हो जाता है, ना कि जिला कौशल समितियों के माध्यम से, तो राज्य सरकारों जो है राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों को, यहाँ लिख दे रहा हूँ, राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों को, सरकारों को, बस अब इतना आप जान लीजिएगा, सरकारों की अधिक भूमिका, सरकारों की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी, बस ये डी ऑप्शन गलत है यहाँ पर, और यही ऑप्शन इसमें असत्य पूछा था, तो यही ऑप्शन सही है। यहाँ जो लिखा गया था समिति, मतलब जिला समितियों की बात, जिला कौशलों की बात कर रहे थे, कौशल समिति इसके लिए नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से होता है, येलोइश होता है यूरोक्रोम की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो खूंटी, झारखंड से किया गया था, और ये कब किया गया था? अभी हाल ही का न्यूज है ये, 15 नवंबर 2023 को से शुरू किया गया, झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा। उद्देश्य यही है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना, और योजनाओं की 100% संतृप्ति के लिए जन भागीदारी की भावना में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? तो अग्नाशय भी है, पीनियल ग्लैंड भी है, थाइमस ग्लैंड भी है, पीयूष ग्रंथि भी है, जनन ग्रंथि भी है, ये सब जो है आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वहीं थायराइड की बात करते हैं हम लोग, थायराइड, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको याद रखिएगा। अब पीनियल ग्लैंड की जो बात करते हैं, पीनियल ग्लैंड ये आपकी सबसे छोटी अंतःस्रावी, छोटी, यहाँ बस छोटी लिख दिया, आप समझ जाइएगा, 2 पॉइंट था यहाँ बताने के लिए, फिलहाल यहाँ पर 5 सही है, 5 सुन लेते, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जो बात है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी
किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात होती है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जिसे आप बोलते हैं उसके द्वारा, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात होगी तो वर्ल्ड बैंक कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल स्टेट वाला कैपिटल वाला नहीं है, ये पूंजी वाला है कैपिटल, तो इसीलिए पूंजी कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, तो वर्ल्ड बैंक करिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होगी तो UNDP डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आप इससे जाइए। ग्लोबल जेंडर गैप की बात होगी तो इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट गैप रिपोर्ट। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय घेगा नियंत्रण कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही था ऊपर वाले में। राष्ट्रीय घेगा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में प्रारंभ किया गया था, तो बिल्कुल सही है। आयोडीन की अधिकता से घेंघा रोग हो जाता है, तो ये गलत हो जाता है, आयोडीन की कमी से होता है जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही। ओपेक के संदर्भ में करंट का क्वेश्चन है, ओपेक के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हाल ही में अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अलग होने की घोषणा की है, तो बिल्कुल सही है, और अंगोला ने वर्ष 2007 में ओपेक में शामिल हुआ था, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अंगोला के ओपेक से निकलने के बाद जो है ओपेक समूह में 12 सदस्य रह चुके हैं, हम उसका नाम बता दे रहे हैं, अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबन है, और ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज, सऊदी अरब, UAE और वेनेजुएला है, इससे पहले 13 थे, इसीलिए अब 12 बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसके सदस्य देश वैश्विक GDP के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बेहद फेमस स्टेटमेंट है, और वो भी G20 के लिए बात होती है ये, जो कि अभी समिट हुआ था यहाँ पर, इसीलिए G20 समिट दिल्ली में हुआ था हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से संबंधित है, तो हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया, और खास बात यह है कि सुल्तानपुर के हैं ये, सुल्तानपुर के हैं ये, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, आप हरियाणा वाला सुल्तानपुर मत करिएगा, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के हैं ये, संजीव कुमार उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से संबंधित हैं, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। वहीं अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं हम, नीलम शरण गौर को दिया गया है, प्रयागराज के हैं ये उत्तर प्रदेश, और उपन्यास इनका है रेक्यूम इन रागा जानकी। उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब शहर को मिला है, महाराष्ट्र के हैं, और उपन्यास है इनका राजदेव की अमराई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग की बात है ये, कृत्रिम मधुरक स्वीटनिंग एजेंट उदाहरण है, आर्टिफिशियल मधुरक स्वीटनिंग एजेंट है, सुक्रालोज है ये, और साइक्रीन भी है, और एस्पार्टम, ये सब आर्टिफिशियल है, ठीक है, और नेचुरल सुक्रोज वाला है आपका गन्ने में ही पाया जाता है, जो मीठापन होता है वही सुक्रोज की वजह से होता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही था, सुक्रालोज, साइक्रीन और एस्पार्टम, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब PYQ का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, आने की भी संभावना रहती है। कौन सा स्टेट जो है हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित किया है जिसके बाद मुख्यमंत्री व उसकी पूरी परिषद लोकपाल की जांच के दायरे में आ जाएगी, ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है, महाराष्ट्र बना है ये चीज, तो महाराष्ट्र पहला राज्य है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात कर रहे हैं, तो 1 जून जो लिखा गया है तो ये गलत हो जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो होता है जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ठीक है, तो जो अगर इस बार की बात करते हैं 2024 में यह दिवस 28 जनवरी को मनाया गया है, और वहीं विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2024 का जो थीम है, थीम याद रखिए बस ये जरूरी है, थीम बीट लेप्रोसी, लेप्रोसी है थीम इसका, और भारत में यह दिवस प्रतिवर्ष जो है 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो 4 फरवरी है, विश्व मधुमेह दिवस की बात करते हैं 14 नवंबर, और विश्व तपेदिक दिवस की बात करते हैं तो 24 मार्च है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एल्युमिनियम संयंत्र दिया गया है और अवस्थिति दिया है, बार बार ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं और आएगा भी, आने की प्रबल संभावना रहती है, जैसे आपके RO जैसे एग्जाम में RO और ARO में आने की संभावना रहेगी। बालको की बात करते हैं, भारत एल्युमिनियम कंपनी की बात है तो इसको कोरबा से सम्मिलित करिएगा। नालको की बात करें, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर से सम्मिलित करिएगा। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मालको जिसे आप बोलते हैं, तो सलेम से। हिंडालको की जब बात आप करते हैं, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, सोनभद्र से। आपको ये डी ऑप्शन जरूर पता था और इसी ऑप्शन से आप कर सकते थे, यहाँ पर देखिए केवल डी ऑप्शन में ही आप देखेंगे सुमेलित सोनभद्र से। तो यहाँ तक हम 150 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियोज लाएंगे। अब हम जो है नेक्स्ट टाइम से एक टॉपिक लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं मृदा लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मृदा से संबंधित। देखिए भारत की भी मृदा है और विश्व की भी मृदा है यहाँ पर, ठीक है,
इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पूर्वावलोकन में और प्लस कॉन्सेप्ट जहां बताना जरूरी है, ठीक है, उसको भी डिस्कशन कर लिया करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे लगभग इसमें से 150 टॉपिक या 200 टॉपिक ऐसे ही मिलेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक नए उसके साथ शुरू किया जाए, क्योंकि एग्जाम अपना करीब भी है, कितना जल्दी टाइम बीत जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो थैंक यू।